नमस्कार, दैनिक साथी में आपका स्वागत है। रेवाड़ी शहर में बेखौफ चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन जिले में चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं बीती रात को भी रेवाड़ी के मोहल्ला संगी का बास में एक घर में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी नगर पार्षद प्रवीण चौधरी के घर में हुई। बीती रात चोर घर में घुसकर करीब 1.25 लाख रुपए की नकदी वे लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। पार्षद का कहना है कि रात को वह परिवार के साथ बाहर किसी काम से गए हुए थे और करीब 12:30 बजे जब वह वापस घर लौटे तो घर का सामान बिखरा मिला। घर से 1,25,000 रुपए, 3 सोने की अंगूठी, कानों के झुमके, सोने का कड़ा, चांदी के आभूषण व 2 मोबाइल फोन चोरी कर ले गए। पार्षद ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। DSP नरेंद्र सांगवान का कहना है कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर तत्परता से कार्रवाई करते हुए मामले को सुलझाया। आरोपी संगी का बास मोहल्ला निवासी बाबूलाल उर्फ बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार करके उससे चोरी का ज्यादातर माल बरामद कर लिया है। बाकी आरोपी से पूछताछ जारी है, लेकिन सवाल यह है कि रेवाड़ी में आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर रेवाड़ी पुलिस कर क्या रही है, यह भी सोचने वाली बात है। अब आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर DSP नरेंद्र सांगवान ने क्या कहा। कल रात को जो ना प्रवीण चौधरी पार्षद अपने परिवार के साथ शाम को करीब 9:30 बजे बाहर खाना वाना खाने के लिए किसी उसमें गए थे और रात को करीब 12:30 बजे जब वापिस आए तो उनके घर में जो है ना चोरी करनी पाई थी। उन्होंने जो पुलिस को कंप्लेंट की तो पुलिस ने जो है ना बहुत तुरंत और तत्परता से कार्रवाई करते हुए SP साहब के श्री दीपक सारण जी IPS के कुशल नेतृत्व में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए वो इस मामले को सुलझाया और इसमें बाबूलाल उर्फ बंटी उसी मोहल्ले का रहने वाला है उसको पुलिस ने राउंड अप किया है और राउंड अप करके उससे चोरी शुदा माल की रिकवरी लगभग माल की रिकवरी की जा चुकी है और उससे अभी तक पूछताछ जारी है। जो वारदातें पुलिस जो रेवाड़ी में जो वारदातें हो रही हैं उसमें पुलिस जो है ना ने जो है वारदातों को ट्रेस करने की झड़ी लगा दी है और जितनी भी वारदातें हो रही हैं लगभग उसमें से लगभग वारदातें पुलिस ने ट्रेस की हैं और जिन जिन लोगों ने चोरियां की हैं या जो भी वारदातें की हैं लूट डकैती चोरी जो भी की हैं उन अपराधियों को गिरफ्तार करके और सलाखों के पीछे पहुँचा दिया गया।